अपने पूरे परिवार को गाने गाकर छोटे छोटे कार्यक्रमों में और साथ में लघु नाटिकाएं करके अपने परिवार को पाला बड़ा किया और अपने सभी भाई बहनों को संगीत की शिक्षा भी साथ साथ में दी। और इनकी जो शिक्षा है संगीत की वो इन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही आरंभ कर दी थी। शुरुआत के दिन लता दीदी के बहुत ही संघर्षपूर्ण रहे। 1942 बचपन का नाम हेमा था, लेकिन उनके पिताजी एक नाटिका कर रहे थे क्योंकि वो स्टेज आर्टिस्ट भी थे, तो वहाँ पे एक लतिका नामक नाटक कर रहे थे, तो वहाँ से उनका नाम लता पड़ा। 5 बहन भाई थे, लता दीदी सबसे बड़ी थी। जब वो केवल 13 वर्ष की थी, लता दीदी ऐसे करती थी। और एक और बात थी कि लता जी की जो आवाज़ थी वो अपने आवाज़ में मॉड्यूलेशन कर देती, यानी कि वो बदल देती थी। वो एक 15 साल की लड़की का भी गाना उसी तन्यता से गाती थी और एक बड़े का भी गान उसी तन्यता से गाती थी। तो यानी कि हमारी इंडस्ट्री में देखो जितने भी गाने हैं उनके कारण, उन गीतों के कारण हमारी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ शिखर तक पहुँची हैं उनके गानों के कारण। बस आज इतना ही। अब उस शैली को काम करने के लिए इन्होंने अपनी उर्दू भाषा और हिंदी के अक्षरों पे उतार चढ़ाव पे इन्होंने तवज्जो दी और वो आज तक हम देख रहे हैं कि उनके लता जी के जितने भी गाने इन्होंने गाए हुए हैं उन गानों में उनका जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी और उर्दू में वो वाकई में बहुत ही शानदार है। उतार चढ़ाव मुनेश्वर जी के लिए जिस कार्यक्रम का आयोजन किया है उस श्रद्धांजलि में एक हिस्सा मैं भी हूँ, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस परिवार के लिए। अवसर मुझे दिया 5 बसंत 5 फरवरी जब